चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 में, और एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक था उसको पहले हम लोग बना चुके हैं इंप्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग, और 8 से आगे जो है हम लोग देखेंगे आपका इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का जो डेरिवेटिव जो किया जाता है तो उसमें आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ना करें, इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन है उसका जो सिंपलीफाई है वो आप क्या कर सकते हैं, मिसिंग करेंगे और एरर में चला जाएगा। तो आप सोच रहे हो फिर कैसे उसका डेरिवेटिव निकाला जाए, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का सबसे आसान एकदम बिल्कुल इजी वे में तरीका है मेरे पास, वो क्या है मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन होता है पहले उसको आप सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई दो तरीके से होता है, आप समझ रहे बात, एक तो बाय फार्मूला होगा, एक बाई फॉर्मूला होगा उसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, और एक जो होगा बाई एल्जेब्रिक प्रोसेस होगा। तो पहले हम लोग बाई फॉर्मूला के द्वारा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे एल्जेब्रिक फॉर्मेट के द्वारा हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म तैयार कर सकते हैं। फिर से वापस आते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को डायरेक्ट डेरिवेटिव मत कीजिएगा, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिएगा तो आप फंसेंगे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पहले कीजिएगा उसके बाद उसका डेरिवेटिव कीजिएगा। बस मेरा जैसे देखिए अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन इनवर्स और यहाँ पर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 टैन इनवर्स x होता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 टैन इनवर्स x होता है, और उसी के दौरान cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है, और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x होता है। तो देखिए अगर आप जैसे ये क्वेश्चन मिले आपको कि sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए और उसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लेक्स होगा, और उसकी जगह पर हम सिर्फ लिख दें 2 tan इनवर्स x लिख दें, बस ना गया उसका कितना इजी वे होगा, आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझते होंगे, बस ना गया। तो अब ये तो आ गया हमारे पास, और यहाँ पर मैं लिख रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल कितना होता है 90 होता है, बस में क्या एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये बारी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग सिंपलेस्ट करने वाले हैं, बस में क्या ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके पास कि टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल कितना होता है पाई बाय 2, कितना होता है पाई बाय 2, बस में क्या। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास कर, धीरे धीरे आपको मैं समझाएगा कि कैसे इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है साइन इनवर्स आ गया यहाँ पे 2x by 1 plus x square, मानिए क्वेश्चन में लिख दो, ठीक है, y इक्वल क्या लिखा हमने sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर। तो मान लीजिए अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव करने में काफी परेशानी होगा, कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा आपको, बस ना क्या। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने आपको एक चीज में बताया, क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फंक्शन आपको गिवन में पड़ा है उस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म तैयार करें, क्या करें सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद उसका डेरिवेटिव कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। बात उससे क्या होगा कि आपको एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका आंसर बिल्कुल इजी वे में आ गया, समझ आ रहा बात। तो जल्दी देखिए तो हमने क्या बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म दो तरीके से होता है, पहला तो एक बाई एल्जेब्रिक यानी कि मैनुअली जिसको हम लोग कह सकते हैं, और एक होता है बाई बाई आपको फार्मूला, बाई ये क्या होता है फार्मूला होता है, जैसे यहां पर दिया है कि sin इनवर्स 2x / 1 + x² है, इसका कितना हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया, बस हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे 2 tan
इनवर्स की एक्सिस लेते हैं, इसका इसका डेरिवेटिव कीजिए चाहे इसका कीजिए, बात क्या है ना बराबर है। तो अब इसका करेंगे तो dy में क्या लिखेंगे dx, और यहां पे 2 बाहर आएगा तो आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स y क्या आ जाएगा dx आएगा। आपको समझ रहे अब देखिए तो tan इनवर्स x का हम लोग पढ़े कैलकुलस के अंदर कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है, 1/1 + का है x स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा 2। अब इसका आपके पास आ जाएगा जैसा भी वहां लिखा 1 प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो 2/1 + क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया sin इनवर्स 2x/1 + x² का ये क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया, बस लग गया। अब देखिए अब यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे समझा क्या बात है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहां पर, यहां पे देखिए इसी जगह पे से y इक्वल आपके पास यहां पे sin की जगह पे हम लिख रहे हैं cos इनवर्स 1, यहां पे cos इनवर्स 2x/1 + x² लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2x/1 + x² लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। अब देखिए तो सबसे पहले है क्या कि सिंपलेस्ट तो करना ही करना है, सिंपलेस्ट करने के लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हैं तो कौन सा फार्मूला किस फंक्शन में लगता है ये भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात, आप तो समझते ही होंगे ठीक है। जैसे sin इनवर्स के साथ क्या लगा है 2x/1 + x² लगा है, cos इनवर्स के साथ क्या लगा है 1 - x² / 1 + x² लगा है, देख रहे हैं ना cos इनवर्स के साथ क्या लगा है 1 - x² / 1 + x² लगा है, और sin के साथ क्या लगा है 2x/1 + x² लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। यहां देखिए cos है और यहां पे 2x/1 + क्या है x² है, तो आपका यानी इसके साथ क्या होना चाहिए इस इसके साथ यानी इस फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए sin इनवर्स होना चाहिए, जब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है cos इनवर्स दिया है, इसलिए हम इसको 2 tan इनवर्स अभी फिलहाल लिख सकते नहीं है, समझ आ रहा 2 tan इनवर्स फिलहाल नहीं लिख सकते, कब लिख सकते हैं जब यहां पे sin आ जाएगा तब, क्योंकि ये जो चीज होता है sin के साथ ही लगता है, समझ आ रही बात। अब आगे आते हैं sin कैसे आएगा, अब दिमाग में सोच रहे हो साइन कैसे आएगा, तो साइन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है π/2 है, तो इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या लेके आएंगे साइन लेके आएंगे। अब देखिए कैसे तो बीजी में लेके आएंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कितना हो गया π/2 हो गया ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा π/2, और इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, ध्यान दीजिए तो एक्स यहाँ पर आ गया छोड़ो यहाँ पर एक्स आ गया छोड़ो यहाँ x है इधर भी क्या है x है, अगर इसकी जगह पे हम ये चीज रख देते हैं यानी कि 2x/1 + x² अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 2x/1 + x² आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं छोटे एकदम समझिए बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से cos इनवर्स x बराबर कितना हो गया π/2 - sin इनवर्स x हो गया, तो अगर यहाँ पर इसी तरह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के साथ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/2 - क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x/1 + x² लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये जो चीज है यहां रखेंगे तो यहां भी आएगा, समझ रहे हैं बात को एकदम आप बिल्कुल समझ गए। अब जैसे ही ये जो फंक्शन है sin के संपर्क में आएगा उसी टाइम उसकी जो वैल्यू है यानी सिंपलेस्ट जो पार्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर, ये देखिए 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स क्या लिख देंगे x, समझ रहे हैं कि नहीं बात, और जैसे ही 2 tan इनवर्स x हो गया एकदम बिल्कुल इसका डेरिवेटिव निकाले, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो 90 बोले तो कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की डीसी कितनी होती है 0, और यहां पे -2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ध्यान से यहां देखिए 1/1 + क्या है x² 1/1 + क्या है x² यहां पर 1/1 + क्या हो जाएगा x² यानी कि dy/dx = -2/1 + x² होगा, -2/1 + क्या होगा x², समझ में आ रहा है कि नहीं बात, यानी आपको हमने क्या बोला कि अगर किसी फंक्शन का यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें, जिससे क्या होगा आपको आसानी होगी बनाने में, समझ में आ रही बात।
आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या होगा, ज्यादा एक तो लंबा प्रोसेस होगा, दूसरी क्या होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, और कैलकुलेशन ज्यादा होगी तब समझते ही हो क्या होगा, आप तो लाइफ में भी समझते हो, ज्यादा टाइम टेकिंग होता है तो जो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना वो चीज प्राप्त नहीं होती है ना बात। तो जितना जल्दी से आप उसको रिप्लाई मार लो, हाँ बोले तपर बेटी, ना बोले तपर बेटी, दूसरे को देखेंगे यार इसमें क्या करना है ना बात, जीवन भर उसके पीछे थोड़े भाग के रहना है, ठीक है, आर यू ओके। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप समझा रहे इसको, हम फिर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए आगे चलो, अब इसको हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे y इक्वल आ गया, cos इनवर्स आ गया 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको हमने क्या बोला कि सबसे पहले जो भी इनवर्स का फंक्शन आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे तब उसको बनाइए, डायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको डालेगा, क्या डालेगा, प्रॉब्लम में डालेगा, बस मैं क्या, तो इसको सिंपलेस्ट करें, क्या करें, सिंपलेस्ट करें, तो सिंपलेस्ट कैसे करेंगे, तो cos इनवर्स x का 1 माइनस x स्क्वायर y कितना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है तो 2 tan इनवर्स x कितना है, 2 tan इनवर्स x, तो यहां पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x। अब इसका क्या निकालेंगे, dy / dx निकालेंगे, तो 2 कांस्टेंट है तो यहां पर आएगा tan इनवर्स / कितना हो जाएगा dx, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी जस्ट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।